messages aa rahe hain beta firoz phone rakho phone mat chalo na cake kaat come on I'm so hungry kitna mazedar cake finally chalo bhai ab shuru karo cake kaato happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear bro are pehle pehle chalo pehle mama ko khilao pehle cake bahut tasty hai my favorite cake lag raha hai क्या मुझसे नाराज है भाई मैं तुमसे बाद में बात करूँगा हाँ ठीक है लाख डेढ़ लाख जितने भी मांगते थे तो काम बहुत सफाई से होना चाहिए अभी और इसी वक्त देखो बिल्कुल भी शक ना हो कि किसी ने करवाया बस ये लगे कि गलती से हुआ ओके बाय फौरन अभी जूस मंगवा नहीं नहीं थैंक यू
हाय नगीन, तुम क्या कर रहे हो? मेरा छोड़ो, साहिल यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे लिए यहाँ पर नहीं आया। और फिरोज, उसे पता है तुम्हारे उसके रिश्ते के बारे में? यहाँ पर कोई कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम भी अपना मुंह बंद रखना। ठीक, हर इंसान पे एक दिन आता है नगीन, और आज मेरा दिन। और उसे? तुमने मेरा दिल तोड़ा था ना, आज मैं तुम्हारा रिश्ता उसके सामने खोल दूंगा। तुम जैसे घटिया इंसान से मैं और कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकती थी। यहाँ पे भी आ गए। देखो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुना था मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन मोहब्बत करने वाले अंधे नहीं होते, उन कम वक्तों को सब नजर आता है। तुम नगीन के पीछे आए हो? सिर्फ मैं यहाँ सिर्फ जॉब करने आया। हाँ, तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा। बता दो क्या मसला है। देखो औरत से। देखोगी अब तो, और दिखाऊंगा मैं। सब खत्म हो चुका है? खत्म नहीं, शुरू। अभी तो सब शुरू हुआ। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में। बेस्ट ऑफ लक। Excuse me. आपका रवैया मुझे परेशान कर रहा है भाई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फैजल। क्या मतलब? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तुमने। मुझे जब्बार लाके की कॉल आई थी, उसे मुझे जॉब ऑफर की, उसे मुझे नाश्ते पे भी इन्वाइट किया। मैं जानबूझ कर वहाँ गया था ये देखने के लिए कि वो अब हमारी फ्रेंड के साथ क्या करते हैं। उसने मुझे वहाँ एक एनवेलप दिया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसकी फर्म ज्वाइन कर। मैंने उसे मालूम करने की कोशिश की कि बहराम फर्म में से उसने और किसे हायर की। जब आप ना मिलने पर मैंने उसे एनवेलप वापस किया और वापस आया। इस अरसे में मेरी आपसे मुलाकात नहीं, वरना ये सारी डिटेल्स मैं आपको दे देने वाला था। मामू ने मुझे बेटे की तरह पाला, मैं उन्हें अपना बाप मानता हूँ और आपको अपना बड़ा पाला। जब बार लाखी उस जैसे लाखों भी आ जाए तो मैं अपने बाप और भाई को धोखा नहीं दे सकता। आपको पता है मामा क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मामू और फिरोज से वफादार बन के रहना, और मैं उनसे रोज़ यही कहता हूँ कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चले जाए, मैं आप लोगों को कभी नहीं छोड़ सकता। तो मैं वहाँ बहराम ग्लोबल के लिए गया था, मेरे कोई और इंटेंशन नहीं थे। मुझे यकीन है तुम पर बेजार, लेकिन ऐसे लोगों से दूर। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करता। वैसे आपको ये तस्वीरें किसने दी? लेट इट गो। ये बताओ कि ये जो तुम्हारा दोस्त है औरंगजेब, साहिल को कैसे जानता? आई डोंट नो, आई नेवर आस्क्ड।
इसे कहो कि मुझसे अकेले मत मिलो। Everything is okay? Fine. Yeah. जी फिरोज भाई, आपने मुझे बुलाया, बल्कि एक्चुअली मैं भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। साहिल को कैसे जानते हो? पहले ये बताएं, साहिल यहाँ क्या कर रहा है? बाबा के दोस्त का बेटा है, हमारी कंपनी में जॉब कर रहा है। उसका तो कोई बाप ही नहीं, तो वो अंकल के दोस्त का बेटा कैसे हो? क्या आप लोगों ने उससे कुछ नहीं पूछा? वो कौन है, कहाँ से आया, उसके माँ बाप कौन है? कुछ भी नहीं। प्लेन क्रैश में उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी, बस यही बताया था उसने। आप सीरियसली? ये साहिल ने बताया होगा। हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लाहौर के इलाके लाहौरी गेट से है, एक नंबर का आवारा आदमी। सच बोल रहे हो तुम? मैं सबूत दे सकता हूँ। कहाँ है सबूत? एक सबूत तो इसी घर के अंदर घूमता है। मतलब आपको सब शुरू से बता, वो मैं और मेरी कजन है ना। एक्सक्यूज मी। यस तविंदर सर, साइट वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। व्हाट? मैं आ रहा हूं, आ रहा क्या देखने आए? जिंदा हूं के मर गई? मर गई, रूह निकल गई है मेरे जिस्म से, यही चाहते थे ना तुम? ये भी लिखकर जा रही हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के कुत्ते पर मेरा नहीं, मेरे कातिल का नाम लिख दिया जाए। मोहब्बत को इब्रत का निशान बना दिया जाए, ताकि आइंदा कभी कोई भी मोहब्बत ना करे। जी अनवर साहब, सर आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, सिर्फ स्क्रैप के गोदाम को आग लगाई है, और फिरोज साहब खुद भी देखने आए थे सर। नुकसान कितना हुआ? सर कंपनी का तो नहीं, हाँ कबाड़िए का नुकसान ज़रूर हुआ है सर। आपकी अमानत मेरे पास। थैंक यू सो मच सर। तंग करता हूँ फिर? यू मोस्ट वेलकम सर। चले, थैंक यू। थैंक यू सर। औरंगजेब मुझसे शादी करना चाहता था। हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मुझे कभी भी वो पसंद नहीं आया।
तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? वहां जब से मिला तुम, इसलिए उसके बारे में बता रही हूँ। मैंने शादी से इनकार कर दिया था, उसने पापा से बात की तो पापा ने भी इनकार कर दिया, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वो कभी भी मेरी शादी नहीं होने देगा और मुझे कभी भी खुश नहीं रहने देगा। आज जब मैंने उसको देखा तो मैं डर गई। उसने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की, उसने साहिल के बारे में मुझसे बात की। क्या क्या बताया? उसको साहिल की पूरी हिस्ट्री मालूम है। गुड इवनिंग। औरंगजेब साहब ने स्टे किया हुआ है यहाँ? जी सर, है। तो उनसे कहिएगा फिरोज आया मैं। ठीक है सर, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू। क्या हो रहा है, नाराज हो? नहीं, आपके पास अपनी छोटी बहन के लिए टाइम ही नहीं होता कभी। आपको पता है महीनों महीनों हमारी बात नहीं होती। यार यू नो कि तुम्हारा भाई कितना बिजी होता है। इतना भी क्या बिजी हो गए? जब तुम यूनिवर्सिटी जा रही होती हो तो सब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा होता हूँ, और जब मैं वापस आता हूँ तो तुम सो जाती हो। ये सब बहाने हैं आपके, बीच में संडे भी आता है। यू नो कि तुम्हारा भाई संडे को भी ऑफिस जाता है। अच्छा, आज हम एक काम करते हैं कि आज हम एक साथ खूब टाइम स्पेंड करेंगे, बल्कि हम डिनर बाहर करते हैं। ओके सर। ओके, यस कर। कोई चलाकी मत करना। अब बता क्या करने आए? क्या करने आया? बेसात के साथ आत्मक साथ से मिल चुके। क्या लेगा मुंह बंद करने का? क्या लेगा मुंह बंद करने का? बोल। ये सोच मुझे मुंह खोलने का क्या मिलेगा फिरोज से? फिरोज कुछ नहीं है मेरे सामने। सुना तूने? फिरोज कुछ नहीं है मेरे सामने। और तू बहुत कुछ, तेरी हैसियत क्या है? जो तू चाहता है ना, जो तुझे चाहिए उससे बहुत ज्यादा। फैसलाबाद वाली फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मुझे? क्या अगर औरंगजेब ने फिरोज को बता दिया तो जानते हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम औरंगजेब को जानते नहीं और तुम मुझे नहीं जानते यार। मैंने कहा ना, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। मुझे अजियत देने से कभी फुर्सत मिले तो बैठकर सोचना जो मैंने किया वो ठीक था या गलत। मेरी जगह पर तुम्हारी बेटी होती और वो अपने माँ बाप और खुदा के डर से शादी कर लेती तो तुम उसे क्या समझते, अच्छा या बुरा? उस मोहब्बत के बारे में क्या कहोगी जो मैंने की, जो तुमने की? किन माँ बाप की बात कर रही हो जिन्होंने तुम्हारी शादी करवा के पलट के पूछा भी नहीं कि उनकी बेटी कैसी? और क्या जानती क्या हो तुम अपने बाप के बारे में? उन्होंने तुम्हारी बहराम खानदान में शादी नहीं करवाई, सौदा किया। इस वक्त लंदन में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? बहराम ग्लोबल में इन्वेस्ट करना चाहते, पार्टनरशिप हासिल करना चाहते,
इसलिए शादी की उन्होंने तुम्हारी फिरोज से। मुझे बद्दुआएं देने की बजाय अगर तुम बैठ के ये सोचो कि कौन सही है कौन गलत है तो ज्यादा बेहतर हो। खैर नगीन, मैं तुम्हारे बाप जैसा नहीं, उन्होंने छुपके वार किया था मुझको, मैं तो वार भी सामने से करूंगा और हिसाब भी ऐसा करूंगा कि याद रखें। ये काम तो किसी और से भी करवाया जा सकता था, खुद आना जरूरी था क्या? मुझे पता था इनका अफेयर चल रहा है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। साहिल से कहना इतवार को आ जाए हमारे घर। अम्मी इस तरह से उसके पीछे मत पड़े। अरे उसकी दावत करते हैं, उसकी पसंद का खाना बनाते हैं। हम लोगों से तंग आकर ना भाग जाएगा वो। रोहन प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ किया? क्यों मुंह बनाकर तो नहीं करो ना? अच्छा चाहती क्या होता? जब मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता था सीधे मुंह बात नहीं करती थी, अपने भाई से पिटवाया और अब माफिया मांग रही हो। तुम्हारी कोई नई चाल है ये बताओ मुझे। आई स्वेयर टू गॉड ये कोई चाल नहीं है, मैं तुम्हें यूं उदास और नाराज। एक और बात सुन लो, अपने भाई से कहना कि मेरी बहन से दूर रहे। तुम्हें साहिल पसंद है ना? जवाब दो ना। पता है इस दफा मैं उससे शादी की बात करूंगी। मेरा भाई? हाँ वो हमारे घर आया था। कौन से वाले भाई? वो जिसने तुम्हारे कहने पे मुझे मारा। साहिल भैया? साहिल भैया तुम्हारी बहन को कैसे जानते हैं? दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। क्या कह रहे थे साहिल भैया? वो सब मुझे नहीं पता, बस उनको कहना कि आइंदा मेरे घर ना आए। रोहन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मुझे माफ कर दो। मैंने अल्लाह से तुम्हारे सिवा कभी कुछ नहीं मांगा। ओके तुम कल रात साहिल के बारे में बता रहे थे। कौन साहिल? कौन साहिल? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? नहीं। तुम कल बता रहे थे कि साहिल लाहौर में लोहारी गेट में रहता। ओह उनका नाम साहिल है? वो एक्चुअली मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिससे मेरा मुस्तकिल झगड़ा रहता था। कल रात को जब मैंने साहिल को देखा तो मुझे लगा शायद वो वही लड़का है, लेकिन आई वाज रॉन्ग। मैंने कंफर्म भी किया साहिल से, लेकिन उन्होंने कहा शायद हमारी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। तुम कल रात साहिल की पूरी कहानी बता रहे थे औरत से। पार्टी ज्यादा हो गई।
I'm sorry, मैंने पता नहीं साहिल के बारे में ये बातें क्यों की। I really don't know. कल एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और अल्तमाश साहब के लैपटॉप में एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइल पड़ी है। पासवर्ड किसके पास है? अल्तमाश साहब और फैसल साहब के। और परी साहब की मदद कर सकते हैं? It's okay. Hello. Hello. How are you? I'm fine. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी और रोहान कैसा? They both are fine. तुमने कहा था कि एक सबूत है जो मेरे घर में घूम रहा है। हाँ, ये भी कहा था मैंने। Are you insane? नहीं। अब तुम होश में हो? जी। साहिल को जानते हो? अम्मी कह रही थी कि आप संडे को डिनर पर आ सकते हैं। वो तो जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच साहिल। अम्मी आपकी बहुत बातें करती हैं। अच्छा। मैं जाऊं? नहीं नहीं, चाय पीता। पर इसमें हेल्प चाहिए मुझे तुम्हारी। सर कहिए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अल्तमाश साहब का जो लैपटॉप है उसका पासवर्ड चाहिए। सर पासवर्ड तो अल्तमाश सर और फिरोज सर को पता है, मुझे नहीं मालूम। How is it possible? Because अल्तमाश साहब ने कई दफा तुम्हारे सामने अपना लैपटॉप खोला होगा, पासवर्ड एंटर किया होगा, तुमने देखा होगा, तुम्हें मालूम है परिसर। I'm sorry sir, मैं वो पासवर्ड नहीं बता सकती। That mean कि तुम जानती हो कि पासवर्ड क्या है? तुम मुझे मुझे नहीं बता रही हूँ। सर उस लैपटॉप में बहुत अहम डाटा है, इसलिए मैं आपको पासवर्ड नहीं बता सकती। वैसे आपको पासवर्ड चाहिए? जाओ अभी। जी? मैंने क्या कहा? प्लीज गो, प्लीज। मैं डील कैंसिल करूं क्या? कर डील नहीं जाने दूंगा मैं, डील नहीं जाने दूंगा मैं, क्या करूं? मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी फोटोकॉपी के लिए। जी बिल्कुल दी थी। तुमने फाइल जो दी थी
फिरोज नो बहराम बहराम शाह नहीं नॉट बहराम शाह तमिश साहब वाह क्या बात है ओह माय गॉड इसका मतलब है वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने चुराए थे नहीं इस कंपनी को आपकी वजह से लॉस हो रहा है परीसा लिसन टू मी परीसा परीसा प्लीज परीसा काफी परेशान दिखाई दे रही हो क्या बात है कुछ नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई थी डरो मत मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम किसी से मिलने गई थी कौन था वो आइए 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 अरे नगीन आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू ठीक हो आप लोग ये अचानक अरे अंदर चल के बात करते ना आओ सरप्राइज है ना बेटा कैसा लगा तुझे हमारा सरप्राइज सर मेरा बात छोड़ एक मिनट मेरी बात सुनो लिसन मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती हूँ तो क्या बुरा किया है मैंने आपने धोखा दिया है बेईमानी की है धोखा तुम जानती हो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो कितनों को धोखा दे चुके हैं आपने मुझसे पहले फाइल ली फिर अल्तमश सर के लैपटॉप से डेटा चुराया वो आप ही जो इस कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ परीसा बिजनेस नहीं है धोखा है बेईमानी है एक से एक बेईमान इस ऑफिस में काम कर रहा है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ कौन है जो बेईमान नहीं है मैं नहीं हूँ हलाल करके खाती हूँ इसलिए अच्छी लगती हूँ मुझे लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगते सब समझ गई मैं आप जानबूझकर मेरे करीब आए धोखा दिया मुझे इस्तेमाल किया मेरा मैं फिर सर को सब बता दूंगी सब अपनी अम्मी से कहना मैं कल 7 बजे आऊंगा ईमान पुरुष के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं जेल भिजवाओ कि मुझे बोलो जेल भिजवाओगी देखो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था हर घर में ये मसला है तुम्हें खुद ही एडजस्ट करना होगा भाई यहाँ ताने देने वाला कोई एक शख्स तो नहीं है ना अब तुम इसकी तरफदारी कर रही हो हाँ
मैं कुछ दिनों के लिए इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ बस। हाँ तो ठीक है ना, कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी तो उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ तो ठीक है, फिर फिरोज के साथ कहीं बाहर चली जाए कुछ दिनों के लिए। मगर मैं तुम्हें बताऊं, मुझे लगता है प्रॉब्लम ये खुद ही है। ये शुरू से ही खुश नहीं थी शादी के लिए, ये उसी के असरात है। क्या कहना चाहती हो? सर मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहती हूँ। क्यों? मेरे घर में मसला है। क्या मसला? सर घर का भेदी लंका ढा रहा है। तुम कहना क्या चाहते? हाँ बोलो। देखो एक बात कान खोल कर सुन लो, तुमने इसी घर में जीना है, इसी घर में मरना है। मर ही तो रही हूं, बस थोड़ा सा जीना चाहती हूँ। इतना भी हक नहीं है क्या मुझे? ठीक है फिर मैं फिरोज से बात करता हूँ। मुझे फिरोज से कोई गिला नहीं है। देखा देखा तुमने, इसका प्रॉब्लम ही कुछ और है। फिर किससे गिला है तुम्हें? तहमीना आंटी, नीलोफर आंटी और दादी, ये तीनों ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूं। अरे उन्हें क्या तकलीफ है भाई? देखो मैं रिटायर हो चुका हूँ। अल्तमिश के साथ मैंने लंदन में और कराची में कारोबार शुरू कर दिया है। ओके। अच्छा सुनो, वो अल्तमिश साहब के रूम में कुछ फाइल्स रखी हैं, वो मुझे दे। ओके सर। जी। एजाज से पूछा वो क्यों गया था लाखी की तरह? बेजाद इन्वॉल्व नहीं है। बेजाद पे यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। तुम्हारी बात पर भी यकीन करके गलती ही करूंगा साहिल। बात करे यार तुमसे कोई, मतलब साहिल यहीं रहता है क्या? वो यहीं रहता है। साहिल? वो वाला साहिल?